चलिए अब हम जानेंगे क्यूमिन। क्यूमिन मीन जीरा, ठीक है, जीरा के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग दाल छौंकने वगैरह के लिए करते हैं, समझ सकते हैं। और खुशबू के लिए, सबसे इम्पोर्टेंस इसकी खुशबू के लिए होती है क्यूमिन जीरा का। ये दो टाइप का होता है, एक सफ़ेद जीरा होता है और एक काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो होता है उसका प्रयोग अक्सर जो है किस में किया जाता है, औषधि वगैरह बनाने में, समझ में आ रहा है। और जो व्हाइट वाला होता है उसका प्रयोग हम करते हैं भोजन वगैरह या सुगंध के लिए, ठीक है। तो चलिए, इसका क्रोमोजोम नंबर 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। और इसका बॉटेनिकल नेम होता है क्यूमिनम साइमिनम। देखिए, क्यूमिन से ही इसका बॉटेनिकल नेम भी बना है, क्यूमिनम साइमिनम, आसान है। फैमिली अम्बेली फेरी, फैमिली क्या है, अम्बेली फेरी, वही अम्बेली फेरी है, ठीक है। और ओरिजिन है क्या, ओरिजिन इसका यानी उत्पत्ति स्थान क्या है, मिस्र है, यानी कि इसकी उत्पत्ति स्थान मिस्र को माना जाता है। इसका क्लाइमेट क्या है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए इसकी हार्वेस्टिंग के लिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस क्यूमिन की हार्वेस्टिंग के लिए। मॉडरेट ड्राई एंड कूलर सीजन चाहिए इसकी, मॉडरेट ड्राई यानी कि कूलर सीजन चाहिए, यानी कि हल्का, समझ में आ रहा है, सुगा एंड कूलर सीजन चाहिए यानी कि ठंडा मौसम, समझ में आ रहा है। सॉयल जो है इसका लोम एंड सैंडी लोम होना चाहिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जिसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 8.5 के बीच में, 6.5 to 8.5 पीएच, यानी कि इसके बीच में ही क्या होना चाहिए, इसका पीएच मान होना चाहिए सॉयल का, ठीक है, किसकी, क्यूमिन की खेती के लिए। सोविंग टाइम अक्टूबर में है इसका, यानी इसकी बुआई अक्टूबर में कर सकते हैं। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग है इसकी 30 to 20, ठीक है, 30 × 20, ठीक है, स्पेसिंग हो सकती है। सीड रेट इसका 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये तब होता है जब हम इसको रो टू रो लाइन से लाइन की बुआई करते हैं, ठीक है। अगर फ्री हैंड कर रहे हैं तो 30 से 35 किलोग्राम लग जाएगा एक हेक्टेयर में, समझ में आ रहा है दोस्तों। इरिगेशन, इरिगेशन जो है 5 से 6 इरिगेशन इसके होल लाइफ साइकिल में चलता है, 5 से 6 इरिगेशन, यानी कि इसकी टोटल जो इरिगेशन काउंटिंग है 5 से 6 इरिगेशन में तैयार हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स NPK 15 संबंधित 10 संबंधित 10, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 15 रिलेटिव 10 रिलेटिव 10 NPK, ये जो है इसका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है। और इसके बाद FYM जो है, आप समझ सकते हैं खेत की प्रिपरेशन जब करते हैं, फील्ड की प्रिपरेशन में, तो 25 से 30 टन क्या करते हैं, FYM डाल देते हैं पहले, ठीक है, गोबर की खाद। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कितने दिन के बाद कर सकते हैं, 4 महीने के बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसका इल्ड होता है किसका, क्यूमिन का इल्ड होता है 12 से 14 क्विंटल पर हेक्टेयर, समझ में आ रहा है, 4 महीने पे तैयार हो जाती है। इसकी वेराइटियाँ देख लीजिए आप लोग, वेराइटी है NPD1, NPD1, MD43, MD43, सेलेक्शन UC198, सेलेक्शन UC, यानी कि इसको याद करने का तरीका है कि सिलेक्शन किया UC, आपने देखा 198, यानी कि 198 लोगों का हमने सिलेक्शन किया ये क्यूमिन जीरा का, ठीक है। S404, ये भी आसान है, S404, सिलेक्शन 73। तो ये सारी चीज़ें रही वेराइटीज, ये रहा हमारा क्यूमिन का क्लास, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, इसको दो बार लिखेंगे आपको।